जिससे जागरूकता बढ़े। उत्तर प्रदेश में खेतों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बार खेतों की जुताई कर रहे ट्रैक्टरों में आग लगने की कुछ तस्वीरें पीलीभीत से सामने आई, जहां खेत के बीच एक ट्रैक्टर लपटों में घिर गया। बताया गया कि ट्रैक्टर की बैटरी से निकली चिंगारी से ये आग भड़की और उसने ट्रैक्टर के साथ साथ वहां तैयार गेहूं की फसल को भी अपनी जद में ले लिया। जैसे ही गांव वालों को इसका पता चला, उन्होंने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। हालात बिगड़े तो वहां अफरा तफरी भी मच गई। अरे कहते जैसा दूर बचाना टंकियों के फटफटा जाए यार। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गोरखपुर से भी सामने आई, जहां गेहूं से भरा एक ट्रक धधकने लगा। बताया गया वो ट्रक बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसमें लदी फसल से लपटें उठने लगी। कुछ देर में ही पूरा ट्रक जलने लगा। इस हादसे को देखकर आसपास के लोग मदद के लिए घटना वाली जगह पहुंचे और आग पर रेत और पानी फेंककर उसे बुझाने में जुट गए। जल्दी पानी ना, पानी है, कहां पानी है यार। इस घटना में गाड़ियों के साथ फसलों के राख होने से कुछ किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ यही हाल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी नजर आया, जहां आग की चपेट में आने से गेहूं की फसल खेतों में जो है वो जल गई। क्योंकि लोगों की कोशिश के बाद भी गेहूं के खेत से उठती लपटों को बुझाया नहीं जा सका। वहां से सामने आई एक तस्वीर ने लोगों को ही डरा दिया। गेहूं की तैयार फसल जो कई बीघे में फैली थी वो अचानक धधकने लगी। आसपास के लोग आग पर काबू पाने के लिए दौड़ने भी लगे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वो तेज हवा के साथ बेकाबू हो गई और उससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ छा गया। दिल्ली में फिर सेरो सर्वे शुरू हो गया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से फिर सेरो सर्वे शुरू कर दिया गया। सेरो सर्वे में खून का सैंपल लेकर शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी देखी जाती है। अगर किसी के शरीर में एंटीबॉडी पाई गई, तो इसका मतलब वो कभी न कभी कोरोना की चपेट में आया होगा। कोरोना चल रहा है अभी, इसी के लिए टेस्ट कराने ले आया हूं बच्चे को। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ ने पहल की और कुछ दिव्यांग युवाओं को ट्यूलिप गार्डन की सैर करवाई। 25-30 बंदे थे तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा है आज। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें देश में सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने का निर्देश देने की मांग की गई। ये याचिका तहसीन पूनावाला ने दाखिल की। अभी तक देश में 45 साल से ऊपर वाले लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में लावारिस गाय के हमले में एक लड़के की मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि गाय ने उस लड़के पर अपने सींग से हमला किया, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास एक बारात घर को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया। यहां पर एलएनजेपी अस्पताल में इलाज करवाने आए उन मरीजों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना के बेहद कम लक्षण हैं। इस सेंटर पर लोगों के लिए बिस्तर और ऑक्सीजन मशीनों के अलावा सभी जरूरी सुविधाओं के इंतजाम किए गए। ये तस्वीर दिखाती है कि दिल्ली में जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है और सरकार जो है वो चिंतित है और उसी तरीके की उसी लेवल की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अगर किसी भी आदमी को कोरोना हुआ तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सिम्टम आते हैं, अपने आप को टेस्ट कराइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। अस्पताल का रुख तभी करिए अगर उसकी जरूरत लगती है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद अदालत परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई, साथ ही उन्होंने दूसरे लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की, ताकि कोरोना संकट से निपटने में जल्द मदद मिल पाए। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर इजाफा होने के बाद दिल्ली सरकार ने बसों और मेट्रो में 50% यात्रियों के सफर का आदेश लागू कर दिया, जिसके बाद बसों में इस नियम का सख्ती से पालन होता दिखा। जो आप पैसेंजर्स देखेंगे सीट छोड़कर बैठे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो यहाँ सीट्स पर नजर आ रही है, लेकिन लोगों ने दावा किया कि इस आदेश के लागू होने से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दिक्कत है, घंटों बस इंतजार करना पड़ता है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन